तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने अहबाब सफ़े अज़ाब पे तशरीफ़ फरमाएं, कोशिश करें एक मिल के सलावत की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा क़ायम आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलियल अज़ीम الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम वाहले बैत तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मुंतजबीन अल्हुदातीन अल्महदीन अल्मुंतखबीन अल्मुंतजबीन अल्मासूमीन अल्मज़लूमीन الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الصلوات بر محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج قائم آل محمد। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अजीम तरीन इबादत के दर्जात में और भी बुलंदी अता फरमाए, क्योंकि मजलिस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं कि कायनात की वो वाहिद इबादत है ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो कबूल पहले है और अदाबाद में है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अजमत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा के इज़्ज़त रिज़्क जान माल ईमान और खुसूसन अकीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात इस फर्श अज़ाए गरीब करबला पर सजदा मवद्दत फिलकुरबा अदा करने के लिए हाजिर हुए, मेरे मौला इन सब की झोलियाँ इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले भर दे। सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि उस शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर खुद अपने ही अमर से हो, जो शरीकल कुरान हैं, जो खलीफतर रहमान हैं, जो इमाम अल इंस वल जान हैं, जो साहेब अल असर वल अम्र वल ज़मान हैं, वो जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुजतबा भी हैं, जो सैदा भी हैं, जो सैदुशहदा भी हैं, वो हकीकत कुल्लुना मोहम्मद, वो मालिक यौम जुमा, वो खतीब खुतबा जुमा, वो इमाम सलात जुमा, वो मालिक रोज़ ईदैन, वो मुंतकिम यौम आशूरा, वो वारिस रोज़ गदीर काबा की छत पर अब्बास बन के तशरीफ़ लाएं और अलम विलायत अमीरुल मोमिनीन लहरा कर ये सदा दें, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलियन वलीयुल्लाह, ताकि दुनिया के हर मुनकर विलायत अली को ये खबर हो जाए कि जैसे अली आदम से पहले वाजिब था, ऐसे ही महदी के आने के बाद भी वाजिब ही रहेगा। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज कायम आले मोहम्मद। चूँकि मजलिस सुबह से शुरू है, हर बंदा अपने मिजाज के मुताबिक पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, तो ये जितने अहबाब बैठे हैं मजलिस अज़ा के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपकी तवज्जो हो तो फिर मेरा लाहौर से सफ़र करके आने का मकसद पूरा हो, वरना अगर खाली गुफ्तगू करनी हो और आपके चेहरे देखने हो तो वो घंटों खड़े होकर भी देखे जा सकते हैं। मजलिस का कोई मकसद होता है कि मजलिस से बच्चे जवान बुज़ुर्ग कुछ ना कुछ लेकर जाएं, तो अगर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल हो जाए तो मैं
चंद जुमले फ़ज़ाइल के अल्लाह के कुरान की रोशनी में कहने लगा हूँ। परवरदिगार आलम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो पहले मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुमने मुस्तफ़ा की पैरवी की तो फिर सिर्फ अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत ही कबूल नहीं करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, बल्कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। पैरवी मुस्तफ़ा की होगी, खाली आप सर भी हिलाएं तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि दो काम मैंने कभी किए नहीं, दाद मैंने कभी मांगी नहीं और मसाइब में मैंने मिन्नत की नहीं, क्योंकि अगर अंदर फिक्र उतरे तो फिर यहाँ से आवाज़ आए, वरना ज़बरदस्ती किसी को कहना कि हाथ उठाएं, फिर उस हाथ उठाने का फ़ायदा तो कोई ना हुआ। अल्लाह का कुरान भी हो, फिर उस पे मुस्तफ़ा का फरमान भी हो, फिर भी अली के शियों का हाथ नहीं उठना तो ज़िंदगी में किसका उठना है। अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब, इनसे कह दीजिए कि अगर मुझ मोहम्मद की पैरवी करोगे तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो जो मोहब्बत तुम अल्लाह से करोगे अल्लाह उस मोहब्बत को कबूल भी करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, और अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। यानी एक मोहम्मद की पैरवी के फ़ायदे होंगे दो, अल्लाह मोहब्बत करेगा भी और जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करेंगे वो कबूल भी करेगा। उसके लिए करना क्या है? इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा, पैरवी अहमद मुज्तबा, अतात रसूल खुदा, और जिसकी पैरवी करने से अल्लाह मोहब्बत करता भी है और बंदों की मोहब्बत कबूल भी करता है, वही मोहम्मद गदीर में कह रहा था, अगर मुझे मानना है तो पहले अली को मानना पड़े। आप जी भाई सदा सलामत रहे। या अली या अमीर अल मोमिनीन, अगर आप थोड़ा सा एक एक कदम करीब हो जाएं तो ज़रा फासला मेरा कम हो जाएगा, वरना मुझे यहाँ से वहाँ तक पूरी नज़र दोहरानी पड़ेगी। तो दो दो कदम अगर आगे आ जाएं तो मैं कुरान की दो तीन आयतें आपकी समातों के लिए और हदिया करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आजकल मजलिसों का मिजाज क्या हो गया है, लेकिन ना कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार है ना कोई कुरान सुनने के लिए तैयार है। तो अगर आपकी समातों के लिए रहमत महसूस हो तो मैं अल्लाह के कुरान की आयतों से शान रिसालत और विलायत अली आपकी समातों के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट आपके लूंगा, इससे ज्यादा वक्त मैंने लेना नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, आप इनसे कह दीजिए, आप कह दीजिए, ये तो पता है ना कि कई आयतों के शुरू में कुल आता है, कुल कुल मतलब आप कह दीजिए, तो जिन आयतों के शुरू में कुल नहीं आता वो भी तो मुस्तफ़ा ने ही कही हैं, लेकिन फिर ये कुल वाली आयतों में क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, क्योंकि इन कुल वाली आयतों में पैगाम इतना अहम होता है कि अल्लाह भी चाहता है मेरा मोहम्मद बार बार बताए, मेरा नबी बार बार वो पैगाम दोहराए। जितने बैठे हैं ज़रा सारे तवज्जो मेरी तरफ रखना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि अगर ये आपकी पैरवी करेंगे तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा भी और ये जो मोहब्बत करेंगे अल्लाह उसे कबूल भी करेगा। अल्लाह क्यों वाजिब है नबी की पैरवी? कल शुरू होने वाला है रबीउल अव्वल, हर जगह नबी की शान तुम्हें बैनरों पे लिखी हुई नजर आएगी, मस्जिदों के मीनारों से लाउड स्पीकरों में आएगी, मगर एक बात अली के शिया दिल पे लिख लेना, जुमे रात की रात को सदके की रोटियां खाकर जुमे के खुतबे में अबू तालिब को भौंकने वाला मौलवी नहीं जानता कि मोहम्मद कौन है। मुस्तफा की शान
हुसैन या अबू तालिब पढ़े या फिर अबू तालिब के बेटे पढ़े, तो अल्लाह मैं इन्हें कुरान से बताना चाहता हूँ, मैं अबू तालिब के बेटों के फरमान से बताना चाहता हूँ कि तेरे नबी की इज्जत क्या है। अल्लाह क्यों वाजिब है मोहम्मद की पैरवी, क्यों वाजिब है मुस्तफ़ा की अताअत। सूरह अहज़ाब में आवाज़ आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन नबीयू औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुस्तफ़ा तुम पर तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा इख्तियार रखते हैं, मुस्तफ़ा तुम पर तुम्हारे नफ्सों से भी ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, मुस्तफ़ा तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। अल्लाह जब मोहम्मद का इख्तियार हमारे नफ्सों पर इतना ज़्यादा है तो फिर मुस्तफ़ा की बात मानने का कोई तरीका भी होगा। कहाँ, मुस्तफ़ा की बात मानने का तरीका तो है जो मेरा मोहम्मद दे वो ले लेना, जिससे मेरा मोहम्मद रोके उससे रुक जाना। और उम्मत ने भी यही किया, जो जो नबियों के सरदार देते रहे वो उम्मत लेती रही, जो जो मुस्तफ़ा बताते रहे वो उम्मत मानती रही। मोहम्मद ने जो सबसे बड़ी शय दी वो क्या थी, अल्लाह। जो बड़े हैरान हैं, जिनकी मिलकर भी आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ नहीं मिल रही, मैं उन बंदों से पूछता हूँ मुस्तफ़ा ने क्या दिया, अल्लाह। भाई मोहम्मद ने बताया ना कि अल्लाह है, अल्लाह ने खुद तो नहीं आके बताया कि अल्लाह है, तो फिर हमने रसूल के कहने पर उसे वहदहू ला शरीक माना और फिर नारा भी लगाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम आपके कहने पर उसे वहदहू ला शरीक मान रहे हैं। फिर क्या हुआ, नबी अकरम ने कहा जब उसे मान लिया है तो उसकी नमाज पढ़ो, फिर हमने मोहम्मद के कहने पे नमाज भी पढ़ी। फिर उम्मत इतनी अच्छी थी कि जो नबियों के सुल्तान कहते रहे वही उम्मत मानती रही। ना मैं मजमा देख के अकीदा पढ़ता हूँ, ना मैं बंदों के चेहरे देख के फिक्रा पढ़ता हूँ, फिक्रा वही है जो मोहम्मद अली विरक की जबान पे अली अमीर अल मोमिनीन जारी फरमाएंगे। बंदे खुश होते हैं हो जाए, नाराज होते हैं हो जाए, हमने मुस्तफ़ा के कहने पर अल्लाह भी माना, उम्मत इतनी अच्छी थी मोहम्मद के कहने पे नमाज भी पढ़ी, मुस्तफ़ा के कहने पे रोज़ा भी रखा, मुस्तफ़ा के कहने पे हज भी किया, मुस्तफ़ा के कहने पर ज़कात भी दी, मुस्तफ़ा के कहने पर यतीमों की किफालत भी की, मुस्तफ़ा के कहने पर बेवाओं का ख्याल भी रखा। नबियों के सरदार ने बताया कि रस्ते से पत्थर हटाओ तो 10 नेकियाँ मिलेंगी, हमने पत्थर हटाया तो हमें 10 नेकियाँ भी मिली। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिन में एक दफ़ा मिसवाक की, उम्मत इतनी अच्छी थी 5 मरतबा मिसवाक भी की, फिर अपनी जेब में लगा के कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद ने दरमियान से हसन और हुसैन के लिए मांग निकाली, उम्मत ने भी दरमियान से मांग निकाल के कहा ये सुन्नत रसूल है, यानी जो जो नबी दे रहा था हमने उसे हाकिम मानकर उसकी सारी बातें मानी। नबी ने कहा अपने टखनों से कपड़ा थोड़ा सा ऊपर रखना, इन्होंने आधी पिंडलियों तक अपनी शलवार ऊपर की। जो नबी के कहने पर मिसवाक भी कर लेता है, जो मोहम्मद के कहने पर शलवार भी उठा लेता है, पता नहीं उसे खदीर में क्या मौत पड़ी। जो मोहम्मद मिसवाक दे रहा था वही तो तुम्हें अली दे रहा। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे, आबाद रहे। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा जी, जो जो मिलके या अली अमीर अल मोमिनीन अदरक नफी सबीलिल्लाह चलें। अगर आप फजाइल के माहौल में ढल गए हैं तो फिर मैं अगली आयत की तरफ आना शुरू करूं। पहले मैंने आयत पढ़ी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31। अगर दिल में कुरान फहमी का शौक है तो फिर बंदा मेरी बात सुने, और अगर घर में पड़े हुए कुरान पर भी गर्द जमी है तो फिर अगली बात ना भी समझ आए तो मोहम्मद अली विर को फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदे अल्लाह के कुरान से बेनियाजी कर जाएँ अगर वो मेरी मजलिस में भी ना बोले तो मेरी सेहत पे फर्क पड़ेगा क्या। फिर सूरह अहज़ाब में फरमाया अन्नबी जो औला
بالمؤمنين من انفسهم फिर अल्लाह ने सूरह हश्र में फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो मेरा नबी मोहम्मद तुम्हें दे वो ले लेना जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाना। अल्लाह मुस्तफा की बात मानना जरूरी क्यों है? अल्लाह ने कुरान में एक आखिरी फैसला दिया कि ये वजह है जो मोहम्मद की बात हर सूरत में माननी पड़ेगी। सूरह नजम में कहा वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, इसलिए मानो मुस्तफा की बात क्योंकि मोहम्मद वही बोलता है जो मैं अल्लाह बोल रहा हूं। ये नुतक नहीं करता जब तक वही ना आए, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं थी। अल्लाह ने सूरह तौबा में फिर आवाज दी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मोहम्मद ये जो कंकरियां आप काफिरों पर फेंक रहे हैं ये आपने नहीं फेंकी, ये अल्लाह ने फेंकी हैं। तो पता चला सिर्फ अल्लाह का बोलना ही मोहम्मद का बोलना नहीं, मोहम्मद का करना भी अल्लाह का करना। या अली अमीर अल मोमिनीन, देखिए मैंने आपसे तो नहीं कहा पिछले 10 मिनट में कि आप नारा लगाएं, लेकिन अगर नारा लगाना है तो कम से कम आप सबकी आवाज मिलकर मेरे से तो बुलंद होनी चाहिए। मिलके सारे बोलो हैदरी या अली अमीर अल मोमिनीन अदरकनी फी सबीलिल्लाह। अच्छा मैं आपके चकोड़ी शेरगाजी में आया हूँ पहली मरतबा, मुझे नहीं पता कि किस बंदे का अकीदा क्या है, लेकिन अली अमीर अल मोमिनीन तो हर बंदे की तरफ देख रहे हैं ना, तो फिर एक दफा दिल में मौजूद मुवद्दत हैदर करार को गवाह करके ये फिक्र सुनना जो मैं तुम्हें छठी आयत के नतीजे में देने लगा हूँ। अली मौला के बड़े भाई के लिए अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, ये मोहम्मद नुतक नहीं करता जब तक कि मैं वही ना करूं। इन हुवा इल्ला वहयुहा, ये वही बोलता है जो मैं वही करता हूं। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जो कंकरियां आपने फेंकी हैं मोहम्मद आपने नहीं मुझ अल्लाह ने फेंकी हैं। मेरे सामने वो बंदे मौजूद हैं जिनकी दाढ़ियां मजलिसों में सफेद हो गई। अगर तुम उर्दू ना समझो तो बात अलग है, लेकिन फिक्रा हर किसी के दिल में उतरेगा। इसका मतलब मुस्तफा का बोलना किसका बोलना? अल्लाह का। शाबाश। मोहम्मद का करना किसका करना? अल्लाह का। ना सारा मजमा मेरे साथ मिले तो मैं फजाइल का पहला नतीजा दूं। मुस्तफा का बोलना किसका? सैयद अल्लाह का। मुस्तफा का करना किसका करना? अल्लाह का। एक दफा आखिरी दफा मेरे साथ मिलके बोलना, मोहम्मद का कलाम किसका बोलना? अल्लाह का। मोहम्मद का करना कुरान की रूह से किसका करना? अल्लाह का। तो अब ये कौन था जो हुसैन को गोद में बिठा के कह रहा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन? आप जी हैं भाई, ऐसे नहीं भाई, मिलके या अली अमीर अल मोमिनीन अदरकनी फी सबीलिल्लाह। मुस्तफा का बोलना किसका बोलना? अल्लाह का। मुस्तफा का करना किसका करना? अल्लाह का। तो अब ये कौन है जो पालानों के मिंबर पे अली का बाजू उठा के कह रहा मन कौन तो मौला हो? भाई हुसैन मिन्नी मुस्तफ़ा की जबान से कहा अल्लाह ने, गदीर के मैदान में मुस्तफ़ा की जबान से मन कौन तो मौला कहा अल्लाह ने। जो हुसैन का मुनकर हो, जो अली की विलायत का इनकार करे, वो अली और हुसैन का नहीं वो अल्लाह का इनकार कर रहा, वो परवरदिगार के हुक्म का इनकार कर रहा। चलें अगर तवज्जो है तो फिर मैं जुमले को आगे बढ़ाऊं। तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आयत से पहले याद हो, आप हो सकता है दोबारा भी आपके सामने पेश होना पड़े, हो सकता है दोबारा भी आपके इलाके में इर्द गिर्द मुराड़ी में कुलेवाल में गुजरात में कहीं आमना सामना हो। आज से लेके जब तक मेरी सांसें, एक फिक्र याद रखना, टुकड़े जोड़ने की आदत मोहम्मद अली विरक को नहीं है,
जिस आयत से बात शुरू हुई वहाँ पे फजाइल ख़त्म हो तो फिर मेरे अंदर का खतीब मुतमैन होता है, वरना नहीं। चूँकि मैं सिर्फ नाम का हाफिज नहीं, मैं काम का भी हाफिज हूँ। हमने सिर्फ आयतों को रट्टा नहीं लगाया, हमने कुरान से अली ढूँढा है। चूँकि हमने मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा था, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान समझ में ना आए तो अली से पूछ लेना, अली समझ में ना आए तो कुरान से पूछ लेना। चूंकि कुरान भी बंदों ने नहीं बनाया, अली भी बंदों ने नहीं बनाया। कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है। कुरान भी पैदा नहीं होता, अली भी पैदा नहीं होता। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ताए पाए बिस्मिल्लाह है। कुरान में अलहमद है, अली सिरात मुस्तकीम है। कुरान में यासीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान में अलिफ लाम मीम है, अली ज़ालिकल किताब ला रैब है। कुरान में आले इमरान है, अली अनफुसना व अनफुसकुम है। कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला है, अली वसीला इलाहिया है। कुरान में सूरह नबा है, अली नबाइल अजीम है। कुरान में सूरह नाजियात है, अली मुदब्बिरुल उमूर है। कुरान में सूरह तहरीम है, अली सालिहुल मोमिनीन है। कुरान में सूरह तौहीद है, अली मिस्ल कुल हुवल्लाहु अहद है। कुरान में इन्ना आतैना कल कौसर है, अली की ज़ौजा इन्ना आतैना कल कौसर है। कुरान में वत्तीन व ज़ैतून है, अली के बेटों का नाम वत्तीन व ज़ैतून है। क्योंकि कुरान जैयद है, अली सैयद है। कुरान तैयब है, अली ताहिर है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान हाजत है, अली हाजत रवा है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा। आप जी हैं सदा सलामत रहे, हाथ उठाना भाई मिलके। या अली, ऐसे नहीं मिलके सारे सखी सरदार कलंदर मैं। आप जी हैं भाई सदा सलामत रहे। अच्छा, इसका मतलब सारे अली के सेवन के लाल के मानने वाले तो बैठे हैं। हाँ, तो फिर एक फिक्र सुनना भाई, रसूल अल्लाह का बोलना किसका बोलना? अल्लाह का। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। दलील दूं आयत से, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह कुरान में कह रहे इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, ये तो मुस्तफ़ा की बातें हैं ना। जब आयत आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। ये बात आपकी नस्लों के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अगर कुरान का दामन छूट गया तो फिर अहले बैत समझ नहीं आते, और जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा उन्हें कुरान समझ नहीं आता। तो हमारे पास मौका है बड़ा कमाल, क्योंकि हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास अहले बैत भी है। ये कलाम अल्लाह का है, मगर अल्लाह फरमा रहे इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, ये तो तुम्हारे इज्जतों वाले रसूल की बातें हैं। वही अल्लाह सूरह मरियम में फरमा रहा है वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, ऐ मोहम्मद अपनी किताब में इब्राहिम का भी जिक्र करो जो सिद्दीक नबी है। तो अल्लाह कह रहे ये कलाम भी मोहम्मद का, ये किताब भी मोहम्मद की। चूँकि वो अपने हबीब से इतना प्यार करता है कि वो कहता है मेरी इसकी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी इसकी बात एक है, मेरा इसका कलाम एक है, मेरी इसकी किताब एक है। तो जिसका कलाम उसका कलाम हो। मस्जिद नबवी में आयत पढ़ी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह। सहाबा हाथ जोड़ के आए या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, हमारी मोहब्बत कबूल करेगा अगर हमने आपकी पैरवी की? का बिल्कुल। तो या रसूल अल्लाह बताएं ना, आपकी पैरवी हमने करनी कैसे है? मुस्तफ़ा ने उन बंदों को देखा जिसमें से चार पांच वो थे कि जो उहद में दर्रा छोड़कर चले गए थे। रसूल ने फरमाया तुम्हें उहद के दिन तो मेरी इत्तबा का ख्याल नहीं आया, आज तुम कैसे आ गए मेरी इत्तबा करने? कहने लगे या रसूल अल्लाह पुरानी बातों पर माफी दे देना, अब अल्लाह की मोहब्बत का सवाल है। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें।
और अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अगर किसी को लग रही है मेरे से ज़्यादा गर्मी, फिर तो वो अपने आप को हवा दे और इधर उधर देखे। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही तो फिर एक दफ़ा ज़रा मेरी तरफ़ देखना, चूँकि मैं फ़िक्र वो पढ़ने लगा हूँ जो मिंबर की 1400 साल की तारीख में किताबों में तो थे, मगर मिंबर से ये हदीस पहली दफ़ा आका हुसैन की पाक अम्मा ने मुझे मुकम्मल पढ़ने का शर्फ अता फरमाया है। हदीस तो तुम सब ने सुनी है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। तो ज़ुल्करनैन शाह जी, मैं आज आपके इस मजमे को हुसैन मिन्नी वाली पूरी हदीस सुनाऊँ और फिर ये भी बताऊँ कि ये हदीस मोहम्मद ने किस मौका पर कही। यूँ ही सहाबा ने कहा ना, या रसूल अल्लाह आपकी इत्तबा का तरीका क्या है कि जिससे अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करे और हम अल्लाह से भी मोहब्बत करें। रसूल ने फरमाया, अच्छा तुम मेरी इत्तबा करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, तो आओ आज मैं तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत लेने का तरीका बताऊं। सलमान जरा घर से मेरे हुसैन को बुला के लाओ, जरा घर से मेरे शब्बीर को बुला के लाओ। चूंकि मेरे इज्जत वाले सहाबा ने पूछा है कि आपकी इत्तबा का तरीका क्या है, और एक जुमला जहन में रखिएगा, हमेशा जहन में रखिएगा, दाद देना ना देना मगर इसे जहन में रखना। सैयदा के घर का एक दरवाज़ा खुलता था मस्जिद में, एक दरवाज़ा था बाहर। जब पंजतन ने कोई भी फजाइल का या मुसाइब का मुजाहिरा किया तो ये कभी घर वाले दरवाजे से नहीं आए, ये बाहर के दरवाजे से आए। बीबी खुतबा देने आई बात नबी तो बाहर वाले दरवाजे से, अली जंगे लड़के आए तो बाहर वाले दरवाजे से, मोहम्मद जुमा पढ़ाने आए तो बाहर वाले दरवाजे से, हसन और हुसैन मोहम्मद के सजदों में शामिल होने आए तो बाहर वाले दरवाजे से। एक दफा सर उठा के फिक्र सुनना तो लुत्फ आए। सहाबा ने देखा, हमने तो अल्लाह के रसूल से पूछा है कि आपकी पैरवी कैसे करनी है, आपकी इत्तबा कैसे करनी है। मैं आपकी खामोशी को ले रहा हूँ तवज्जो के तौर पे, लेकिन सिर्फ दो जुमलों की हद तक। तीसरे जुमले पे जो बंदा खामोश हुआ तो फिर वो तवज्जो नहीं, फिर वो जान के ही चुप है। आका हुसैन जूं ही मस्जिद में आए, सहाबा ने कहा, आज हम फिर से एक दफ़ा मुस्तफ़ा के सामने हैं। हमने सवाल ये किया था कि आपकी इत्तबा कैसे करनी है, लेकिन नबियों के सुल्तान ने बुला लिया हुसैन को, इसका मतलब बात कोई अहम है। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी पैरवी कैसे करें, मुझे इज्जत है मिंबर हुसैनियत की कसम, जहां पे खड़े होके हर्फ हर्फ कसम है, इंटरनेट से लेके किताबों तक हदीस मिन्नियत के मुकम्मल मतन का जामिन मैं सुनाने लगा हूं। चकोड़ी शेर गाजी में 30 सफर को मैं, तुम बोलो ना बोलो मर्जी तुम्हारी अपनी, या रसूल अल्लाह आपकी पैरवी कैसे करें। मोहम्मद ने भरी मस्जिद में सहाबा के सामने अपने लाल हुसैन को उठाया, पहले सीने से लगाया और फिर कंधों पे उठा के कहा, फारिफू हाजल हुसैन, पहचान लो ये हुसैन है, पहचान। या अली अमीर अल-मोमिनीन अदरकनी फी सबीलिल्लाह, मेरे बुजुर्गों ने रुबाई पढ़ी है तो मैं एक जुमला कह दूं, आज भी जुलजना का रास्ता रोकने वाले ये सोचकर मर जाते हैं कि मोहम्मद भी कभी हुसैन की सवारी था। यही तो चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती। रसूल ने कंधों पे उठाया, जिसने खाली सर हिलाया है वो भी देखे। मुस्तफ़ा ने कंधों पर उठा के कहा, फारिफू हाजल हुसैन, क्या सहाबा पूछ रहे थे आपकी इत्तबा का तरीका क्या है। रसूल ने फरमाया, फारिफू हाजल हुसैन, अमरुहु अमरी, ताअतुहु ताअती, मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी, वमन असाहु फलैसा मिन्नी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदा सलामत रहो, तुम आबाद रहो, जिसे समझ आया है भाई, वरना एक दफ़ा ज़रा तर्जुमा सुन लेना।
ये है मुकम्मल हदीस का मतन। अगर हिम्मत है तो अब मुहर्रम और रबीउल अव्वल के बैनरों पर ये पूरी हदीस लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिफु हाजल हुसैन अमरुहु अमरी ताअतुहु ताअती मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी व मन असाहु फलैस मिन्नी हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मोहम्मद फरमा रहे थे पहचान लो ये हुसैन है। अमरुहु अमरी इसका हुक्म मेरा हुक्म। अच्छा जब आपने ऐसे सुनना है तो मुझे जोर लगाने की जरूरत क्या है? अमरुहु अमरी इसका हुक्म मेरा हुक्म। तातुहु ताती इसकी अतात मेरी अतात इसकी अतात मेरी अतात। सहाबा के पूछने आए थे आपकी पैरवी करनी कैसे है? रसूल ने फरमाया अमरुहु अमरी तातुहु ताती इसकी अतात मेरी अतात इसका हुक्म मेरा हुक्म। जुमला वजनी है मगर मातमी के लिए बड़ा कमाल का तोहफा है। रसूल ने फरमाया मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी सिर्फ हुसैन मुझ में से नहीं जो मेरे हुसैन का हो गया वो भी मुझ मुहम्मद में से है वो भी मुझ मुहम्मद में से है। मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी वो भी मुझ मुहम्मद में से है। वमन असाहु फलैसा मिन्नी और जिसने मेरे हुसैन को नहीं माना वो मेरा भी कुछ नहीं लगता वो मुझ मुहम्मद का भी कुछ नहीं लगता। मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी वमन असाहु फलैसा मिन्नी। तुमने दूध वाली दुकानों के बाहर तो लिखा जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। अगर मुहम्मद का उम्मती है तो अब दुकानों के बाहर लिख जो हुसैन का नहीं वो हमारा भी नहीं जो शब्बीर का नहीं। बिस्मिल्लाह। या अली अमीर अल मोमिनीन तवज्जो भाई तवज्जो मेरी तरफ। जो हुसैन का नहीं वो हमारा भी नहीं। हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आखिर में रसूल ने वजह बताई क्योंकि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। फिक्रा मेरा आखिरी है तवज्जो भाई। मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे है। हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्योंकि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। क्योंकि मैं हुसैन हूँ और हुसैन मैं हूँ। क्योंकि मैं हुसैन हूँ और हुसैन मैं हूँ। क्योंकि मैं ही हुसैन हूँ और हुसैन ही मैं हूँ। इसे कहते हैं हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पूरी हदीस में वो फिक्रा मातमी के लिए अगर किसी ने समझा हो तो एक दफ़ा दोबारा सुनना भाई। मन तबिअहु फइन्नहु मिन्नी जो मेरे शब्बीर का है वो भी मुझ मुहम्मद में से है। इसीलिए तो मैशर में अल्लाह की अदालत में जब बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले परेशान खड़े होंगे उस वक्त हुसैन का मातमी अबा का दामन खोल के एक दफा मुस्कुराएगा। मौलवी पूछेगा मातमी से तू तो नमाजें भी नहीं पढ़ता था तो फिर आज क्या हुआ तू हंस क्यों रहा है? उस वक्त मातमी कहेगा हम क्यों घबराए शफात करनी है मोहम्मद ने और हम मोहम्मद में से है। हम मुस्तफा में से हैं। तो क्या करने आए थे साहबा? पूछने आए थे कि हम आपकी इत्तबा कैसे करें? तो रसूल ने बताया हुसैन की पैरवी करो। हुसैन की इत्तबा ही मेरी इत्तबा। हुसैन का हुक्म ही मेरा हुक्म। अगर आपकी गर्दन इधर उधर ना मुड़े तो फिर मुझे नहीं पता कि वो कौन सा जुमला है जो इधर उधर से आ रहा है जिसके लिए आपका गर्दन मोड़ना बड़ा ज़रूरी है। फिक्रा आखिरी सुनना भाई। सहाबा ने सब ने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह ए हम तेरी जादू में मुझे शिमर ने बड़ा मारा। हुसैन या हुसैन थोड़ी सी आवाज उसको खोलिएगा ताकि मैं तो फिक्र मालियों तक पहुंचाऊं। वो रो के कहती थी शाम के बाजारों में अकबर अकबर।
अकबर तेरी जागीर में मुझे शिमर ने इतना मारा कि अब शाम के बाजारों में भी मेरे कानों का लहू नहीं रुकता। अजादारों जो दर्द दिल रखने वाले मातमी बैठे हो, मुझे 30 सफर यहाँ चकोड़ी में ये झोला कहने की जरूरत ही नहीं कि तुम रो या तुम ना रो, तुम्हारे मेरे कयामत तक रोने के लिए नहीं मर जाने के लिए ही ये फिक्रें काफी हो जाएंगे। जब 10 मुहर्रम मोहम्मद के बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया ना, तो शाम गरीबा ने सभी बहने पहचान नहीं पाई, रो के कहती थी आंता अखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है, कटी हुई रगों से आवाज आई आलिया पहचान मैं ही तेरा भाई हुसैन हूँ। वो रो के कहती थी अगर तू मेरा भाई है तो तेरी उंगली किसने काटी है, तेरी कलाइयों पर खंजर किसने चलाए है, ये तेरी बेतरतीब नगे किसने काटी है, ये तेरा पैरहन कौन लूट के ले गया, ये तेरे कदमों से नरना की मैनात वाली मैलैन किसने उतारी है। अजादारों यारम मुहर्रम का दिन आया, एक दफा बीबी आलिया भाई के जनाजे पर आखिरी विदा करने आई और रो के कहती हुसैन माफ करना मुझे आने में देर हो गई, क्योंकि मेरे सर से चादर नहीं थी और दिन की रोशनी है, हुसैन अगर मेरे पास चादर होती मैं तेरे जनाजे पर जल्दी आ जाती, हुसैन अगर मेरे पास चादर होती तो मैं आज इस धूप में तेरे बदन के ऊपर साया बनाती। तीसरा बयान किया शरीकतुल हुसैन ने, रोती रहती है शब्बीर अगर मेरे पास चादर होती ना मैं तेरी गर्दन का लहू अपनी चादर से साफ करती। रोने वाला आजादार अगर हाथ सर पे आए तो मैं मसाइफ का पहला फिक्रा पढ़ूं, इसके बाद दो फिक्रों की इजाजत लू। बीबी फिजा फरमाती है यारम मुहर्रम को उस वक्त सज्जाद कत्ल हो गया जब एक दफा शिमर ने कहा हुसैन की अजवाज के हाथ में अकबर असलम सज्जाद की माओ के हाथ में ऐसे रस्सियां बांधो, सज्जाद देखता रहा माओ के हाथ बंधते रहे का एक दफा कहा हुसैन की बहनों के हाथों में ऐसे रस्सियां बांधो, सज्जाद देखता रहा बुबियां गिरफ्तार होती रही, अब दो बुबियां रह गई थी जिनके हाथ खुले थे, क्या बुलाओ हुसैन की अम्मा फिजा को, जनाबे फिजा के हाथ कमर के पीछे बांधे, लेकिन एक 4 साल की बच्ची थी जिसे ना ऐसे बांधा ना ऐसे बांधा ना पसे करकर बांधा। शिमर कहते ये बच्ची हुसैन को बड़ी प्यारी थी, इस कुत्ते ने गले में रस्सी डालकर कमर से निकाल कर ऊंट की पुश्त पर मसलमा को बांधा और रस्सी खींच के कहता था अब बुला नाराजगी को, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अब बुलाना अब्बास को अब बुलाना अली अकबर को, अगर थके नहीं हो सुबह के तो फिर मैं तुम्हें इजाजत दो, खुसूसन सैयद हाथ खड़ा करके इजाजत दो ताकि मैं एक फिक्र और करूँ। असादारों जितने मैं तुम नाम बैठे हैं पूरे राह शाम में जहाँ जहाँ बीबी मासूमा ऊँट की पुश्त से गिरती थी वहाँ वहाँ हुसैन के सर वाला नेजा रुक जाता था। एक दफा एक मकाम आया रस्ते में जिसका नाम था मकाम मंगूरा, ये राहिब के दैर से कुछ पहले हलब शहर से पीछे मंगूरा राहिब का मकाम था, यहाँ हुसैन के सर वाला नेजा रुका। इसने एक दफा शिमर में आंखें उठाई, हुसैन के सर वाला नेजा नहीं चलता, ये बेगैरत ताजियाना लेके आगे आया, आके सज्जाद की पुश्त पे ताजियाना मारा, बेगैरत हंस के कहता है तेरे बागी बाप का सर आगे क्यों नहीं चलता, सज्जाद खून रो के कहता है वो देख ऊंट की पुश्त पर मेरी 4 साल की सकीना नहीं है। एक दफा जो अली की बेटी ने सुना कि मासूमा ऊंट से गिर गई है, अली की बेटी बंधे हाथों से ऊंट की पुश्त से ऐसे गिरी जैसे गाजी घोड़े की जीन से, उधर दौड़ी जहां सकीना थी, देखा कोई काले बुरके वाली बीबी मासूमा को गोद में लेके कह रही थी
दादी जहरा आ गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ना भाई जुल्करनैन शाह जी, मौला आपके नस्लों में इस अजहधारी को जारी रखें। तौसीफ शाह जी का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया, या तो फिर तुमने इससे पहले मसाइब सुने नहीं, या तो फिर तुम कर रहे हो बेनियाजी। लेकिन फिक्रा मैंने पढ़ना है एक का एक, जिसके दिल में पत्थर नहीं बल्कि दिल है ना, और दिल में कब्र हुसैन है, वो बंदा एक दफ़ा ज़रा सर उठाए। शिमर कहता है, जब जब ये बच्ची ऊँट की पूछ से गिरती है, हुसैन का सर आगे नहीं चलता, एक काम क्यों ना करूं, इस बच्ची को ऊंटों के साथ बांध के दौड़ाओ, इस बच्ची को ऊंटों के साथ बांधो ताकि ये तेज दौड़े और हुसैन का सर भी चलता रहे। पहले इसने मासूमा को ऊंटों के साथ दौड़ाया, जब इसका दिल नहीं भरा ना, कहता है अब मैं इस बच्ची को घोड़ों के साथ दौड़ाऊंगा। इसने कहा घोड़े ले आओ, सामने सिपाही घोड़े लेके आए। शाजी शिमर ने कहा, वो जो काले रंग का बड़ा घोड़ा है ना, जिसकी टापे वजनी है, उस घोड़े के साथ मासूमा को बांधो। शिमर के सिपाही कहते हैं, बेगैरत, बाकी घोड़े पसंद नहीं आए, इस घोड़े में खास क्या है, इसके साथ हुसैन की सकीना को क्यों बांधेगा। शिमर हंस के कहता है, ये वो घोड़ा है जिससे मैंने हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ी थी, ये घोड़ा हुसैन के लाशे पर। صاحب الباطل حق بالحق.